नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, अजय देवगन की सिंघम अगेन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है और ये फिल्म दिवाली के मौके पर बवाल मचाने के लिए तैयार है। सिंघम की स्टार कास्ट बहुत ही बड़ी है और इसकी वजह से लोग इसको लेकर के भी बड़ी एक्साइटमेंट है। आपको बताते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ साथ दीपिका पाडुकोण, रणवीर सिंह, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और विलन बनकर अर्जुन कपूर नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म में मसाला लगाने के लिए और शख्स भी नज़र आएंगे। उनकी फिल्म में कैमियो होने वाला है, लेकिन वो इस कैमियो से ही बबल मचा देंगे ये कहा जा रहा है कि बल्कि ये और कोई नहीं, वो हैं सलमान खान भाईजान। सलमान खान भाईजान भी सिंघम अगेन में नज़र आने वाले हैं। वो अपने दबंगई स्टाइल यानी कि चुलबुल पांडे के स्टाइल में नज़र आएंगे और इंस्पेक्टर बनकर धूम मचाएंगे। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे के रोल में कैमियो करेंगे और उनका दबंगी सीरीज में का ये किरदार सिंघम अगेन में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी ने सलमान खान को अपनी एक्शन फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए मनाया। सलमान खान ने बिना किसी सवाल किए इस रोल को निभाने के लिए हाँ कह दिया है। सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 का क्लैश होने वाला है। रिपोर्ट्स के माने तो क्लैश में बचने के लिए कार्तिक आर्यन ने रोहित शेट्टी को फैंस को फ़ोन करके फिल्म को पोस्टपोन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो सिंघम अगेन को 1 नवंबर की जगह 15 नवंबर को रिलीज़ कर लें, जिससे दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फ़ायदा होगा। मगर अब ये लग रहा है कि रोहित शेट्टी सिंघम अगेन को पोस्टपोन करने के मूड में नहीं है। मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें से लिखा है फिल्म 1 नवंबर को ही रिलीज़ होगी। मिलते हैं नई वीडियो से, तक जानकारी से, तब तक लीजिए हिंद मध्य माता। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स।